ये
is to minus 7 and 3, if 10 is to minus 7, what? If 10 is to minus 7, x2 को भी क्योंकि आपको कंसीडर करना है यहां पे, तो x2 को किस में डिसोसिएट होगा, x प्लस ऑफ x माइनस ये भी x ऑफ px, ठीक है? नाउ व्हाट इज द टोटल कंसंट्रेशन ऑफ x प्लस 10 is to minus 7 plus x, व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस x, x आप इस बात को आया ना, यहां तक किसी को डाउट है? ठीक है, मुझे पता है h प्लस इनटू OH माइनस आपको क्या देगा बेटा, kw, kw इज द वेरी गुड। तो ये मैं क्या करूंगा, 10 is to minus 7 plus x इनटू x क्या देगा आपको, 10 is to minus 14 देगा, कोई डाउट याद कर, अगर मैं इसकी बात करूं तो क्या होगा, x स्क्वायर प्लस 10 is to minus 7 x minus 10 is to minus 14 is equal to क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब फिर से रिपीट करना है, तो दिख नहीं रहा, इधर दिख रहा हूँ, उधर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, चालू करो, चालू करो, ठीक है, तो अगेन इसके बाद कुछ क्या होता है मेरा, x बराबर क्या आ जाएगा, minus 10 raised to minus 7 plus minus under root 10 raised to minus 14 minus 7 का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4 a और c कितना हो जाएगा 10 raise to 14 बताओ यहां पर डिवाइडेड बाय 2, तो ऑब्वियस बात है माइनस रूट तो हमारे इलाके का होता नहीं है, क्या करेंगे माइनस 10 raise to minus 7 प्लस मतलब लगे कितना हो गया, तो 1.0 को into 10 raise to minus 14 डिवाइडेड बाय 2 कितना आएगा, ये
Yeah, answer that question. Second one. One point. ये कर रहा है बस मैं भी करता हूँ मैं भी करता हूँ कितना होगा? 10 से 6 pH कितना होगा? 6।
समझ में आई बात ठीक है। अगर 10 एस टू माइनस 7 आएगा तो सोर्स ऑफ एच प्लस क्या होगा? अबे सोर्स ऑफ एच प्लस क्या होगा? एसिड ना, बस एसिड एसिड। अभी बताया यार कंसीडर एच प्लस वाटर 16 टू 0.6 वाटर, तो सोर्स क्या होगा? एसिड प्लस वाटर होगा। मतलब समझो व्हाट इज पीएच? एच प्लस का कंसीडर कितना निकाला हमने? 0.6 to 10 to -7, इसका ये पीए जो आता है वो आता है 6.97, याद रखिए ठीक है। 10 to -8 रहेगा तो भी क्या रहेगा? एसिड और वाटर रहेगा ठीक है। और इसका जो ये जो आता है ये वैल्यू आता है 1.05 10 to -7, और इसका जो पीए जो होता है 6.97 आपको कहां से मिल गया? कहां से? कहां से? H प्लस का सोर्स क्या है? 10 प्लस माइनस 9 है, अगर कंसंट्रेशन लिया मैंने तो सोर्स ऑफ H प्लस क्या होगा? वाटर, बिल्कुल मात्र वाटर। और वाटर में H प्लस का कंसंट्रेशन क्या होता है? 10 प्लस माइनस 9 ये तो बहुत कम है, तो क्या है? ये क्या है? इधर का क्या समझ है? अगला लिखा ना
సమ్ ఎవడ
how calculate here. Initial pH कितना है? 1.5. हाँ, जैसे मैं बोलता हूँ वैसे हम बता देते हैं. तो करें कितना स्टूपिड क्वेश्चन. इनिशियल पीएच 5. मुझे पता है डाइल्यूशन का फॉर्मूला होता है M1V1 इक्वल टू M2V2 होता है बराबर. इनिशियल पोलैरिटी कितनी दी हुई इसने? N2. वॉल्यूम कितना दिया हुआ? M2 मुझे निकालना है. पोलैरिटी कितनी है? वॉल्यूम कितनी है? 1000. एंड व्हाट इज M2 कितना होता है? 10 का पावर माइनस यार बेसिक मैथमेटिक्स है यार, बेसिक मैथमेटिक्स कितना हो गई? 1. भाई कहाँ से मैथ्स पढ़ा है? मतलब तुम लोग आए कहाँ से हो? कौन से ये बोला कि तुम नहीं लग रहे हो? पता भाई टाइम तो सही बता, चीटिंग करके तो पास नहीं होता मैथ्स में. नहीं ना, कितना हो गई? 10 का पावर माइनस 5 बाय 1000 कितना? प्लीज बोलो. वो एक तो बोला माइनस माइनस 2. कितना? माइनस 5. भाई मैं क्या तुमको पढ़ा दूँ? बेसिक मैथमेटिक्स नहीं आ रही है यार. एक मेरा रोटरी का एक क्लास का बच्चा ही आंसर तुमको दे देगा. शुड गेट 11 में से आ जाओ. नेक्स्ट ईयर तुम्हारी भी एग्जाम रहेगी. अब ये ज्यादा दिन नहीं है, दिसंबर आ चुका है. अभी बस समझ में. नेक्स्ट बार तुम्हारा भी एग्जाम रहेगा. मान लो 390 दिन, ओनली 390 डेज. सोच रहे हो बहुत ज्यादा दिन है, तो बहुत ज्यादा दिन बचा नहीं. आप ही सुधार लो अपने आप को. कितना? अरे ये भी माइनस में है, तो नीचे ही होगा. ये जब ऊपर जाएगा तो माइनस में कन्वर्ट होगा ना. क्या इसको मैं ऐसा भी लिख सकता? 10 का पावर माइनस 5 इनटू 10 का पावर माइनस 3 बराबर कितना होगा? प्लस 2 है ना. ये भी प्लस 2 होगा. कितना होगा? कितना? माइनस 8 ना. इतना सोच के क्या बोल रहे हैं भाई? भाई मेरे लग रहा सीरियस है तुम्हारा. मैं कुछ ज्यादा हाई लेवल तुम्हारे लिए लेके जा रहा हूँ. थोड़ा लेवल स्लो करो क्या? हाँ, पांच सौ थोड़ी जा रहा है. पक्का ना? कितना हो गया इनको? माइनस 8. माइनस 8 होगा. हाँ, इसका मतलब एच प्लस का न्यू कंसंट्रेशन आपके पास कितना आया ग्रेजुएशन के बाद? सजाने के लिए नहीं दिए नालायक को. वो टेबल इसलिए दिया कि माइनस एक माइनस एक कंसंट्रेशन में पीएच कितना होगा? प्रैक्टिकली सोचो क्या एसिड का पीएच 8 हो सकता? अभी समझाया मैंने. अगर ज्यादा भी होना बन सकता है, देखो बनना चाहे तो. भाई ठीक है, नहीं समझ में आता मानता हूँ, लेकिन ये बेसिक्स तो सबको आते हैं ना यार. 9-10 के बेसिक्स है यार. ऐसे तुम बातें करोगे यार आगे सिलेबस कैसे जाएगा? अभी छोड़ो, तर्पण आने से तो हमको लगता हथियार ही डाल दिया भाई. अब ना हो पाएगा कुछ नहीं है. ये कुछ नहीं है, तर्पण आने से तो हम इसके से जो ना सबको समझ में आया. इस बार जो केस वन कंप्लीट हुआ. समझ में आया? केस टू में चुपचाप देखो तरीका पार कर.
मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होगा, मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, समझ में आई बात, आया ना। यहाँ पे पहली बात तो कॉमन इफेक्ट एप्लीकेबल होगा क्या, क्या यहाँ पे कॉमन इफेक्ट एप्लीकेबल होगा, पीछे देखो इसको मतलब पढ़ के दिया देखता पढ़ के आ रहा है क्या, क्या कॉमन है इफेक्ट क्या पिक होता है स्ट्रॉन्ग पे, क्या चला भाई कॉमन इफेक्ट क्या पिक होता है, हां भाई चाइनीज भाषा में बोला था क्या मैं, हां ऐसी बात है सर, सकल ऐसे बना जैसे पता नहीं क्या पूछ दिए मैंने, हां नहीं होता है, क्यों क्यों नहीं होता है, कहाँ एप्लीकेबल होता है कॉमन है, पागल हो गए क्या, हाँ वीक एंड सेवन वीक इस बेसिकली वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में एप्लीकेबल होता है, सिंपल सी बात है, इतनी सी बात नहीं समझ में आई, हाँ भाई यहाँ से पढ़ने से अच्छा थोड़ा यहाँ पढ़ लें ज्यादा काम आएगा जिंदगी में, ये पढ़ने से नुकसान है ये बढ़ेगा तो बहुत फायदा है, समझ में आया क्या, असली है तब मेरे पास था वो तो मजाक में लेकर रखे फिर उनको मजा आया, हाँ बड़ा मैं सीरियस हो गया ना, रोने लगोगे यार मजबूर मत करो, बस सीरियस समझ में असली कर तो पढ़ लो कितना वांट टू बी अपन का क्वेश्चन में तुमसे एक ही चीज पूछेगा या तो वो पीएच पूछेगा या तो पीओएच पूछेगा, मतलब पी
पीएच निकल गया तो 14 माइनस कितना बच गया था ना हमारी मर्जी यार आई बात समझ में कोई डाउट याद कर समझ में सब अच्छे से ठीक है एक क्वेश्चन दे रहा था कैलकुलेट एच प्लस ओ एच माइनस एंड पीएच ऑफ ए सॉल्यूशन Why?
हमारे सिचुएशन में एक सिचुएशन याद आ रहा है, जेडी एक्सप्रेस देखा सबने, सबने देखा होगा ना, तो देखा उसमें जंगल में चला जाता है, जंगल की पिकनिक में चला जाता है, इसमें नाटा से मिलता है, हाँ, स्थिति तुम्हारी है क्या, हमारी स्थिति तो मैं कह रहा हूँ, Thank you.
करता हूँ आपका 100 प्लस 0.0001 इसको अगर नेगलेक्ट भी करते तो कुछ नहीं हो जाएगा नहीं था यही इसका मतलब था इन लाइक का सॉल्यूशन ऑफ मिक्सचर ऑफ स्ट्रांग एसिड ऑल एटमोलस एंड आर प्रोड्यूस्ड बाय स्ट्रांग एसिड अंटिल इट इज वेरी डाइल्यूटेड आप समझ रहे हो ना टेन एस टू माइनस सिक्स है और इस वाला बहुत डाइल्यूटेड लग रहा है तो इसका एच प्लस यहाँ पे ऐड नहीं होगा समझ में बात और डायरेक्ट इसको लोग ऐड करके भी आंसर निकाल सकते हैं इसका वॉल्यूम जरूर ऐड इस एसिड का वॉल्यूम जरूर ऐड होगा टोटल वॉल्यूम पर इसका कंसंट्रेशन ऐड नहीं भाई बस समझ में इतना ही होता है समझ में Thank you.
Wow. Yeah.
ये अप्लाई आई था समझ में आया ना सही से बोलोगे होगा ना ठीक है इसका मतलब ये होता है एच प्लस जो होगा वो क्या होगा सी अल्फा और अल्फा बराबर क्या मेरा अंडर रूट के बाय सी इसका मतलब क्या हो जाएगा क्या एच प्लस को मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट के सी आया समझ में डायरेक्ट आप फॉर्मूला भी अब इसको चेक कर लो डायरेक्ट अंडर रूट के सी भी आप अप्लाई कर सकते हैं आई बात समझ में वेज माइनस क्या होगा 10 एस टू माइनस 14 बाय अगर सब अब एच प्लस दिस इसी को मैं तोड़ दूँ मान लो एच प्लस को मैं ऐसे भी कर लूँ अंडर रूट के सी ठीक है दोनों तरफ लॉग ले लिया क्या लिया मैंने लॉग लॉग ऑफ एच प्लस को मैं क्या कर सकता हूँ ये पावर 1 बाय 2 है 1 बाय 2 इधर आ जाएगा log k plus log कर सकता हूँ मैं माइनस मल्टीप्लाई कर दो माइनस log ऑफ h प्लस क्या देता है आपको ph हाँ हाँ ph मतलब ph बराबर क्या हो जाएगा 1 by 2 माइनस log ऑफ k क्या देगा आपको माइनस लॉग ऑफ के क्या देगा क्या निकल करता है इसलिए बोला था सो क्यों क्या होगे तो यही स्थिति होगी रिवर्सल नहीं करोगे माइनस लॉग ऑफ समथिंग क्या डिनोट करता पी का पावर समथिंग हां ये क्या होगा पी के इतना क्या सोच रहे हो माइनस लॉग सी आप ये फार्मूला अप्लाई करो या यहां से निकाल लो तभी अप्लाई होगा जब a by c s s नंबर से क्या होगा छोटा होगा अब इससे ज्यादा शॉर्टकट तरीका और कुछ नहीं सकता पता आया समझ में और यदि सेकंड केस इफ k by c बड़ा है s s नंबर से देन यूज क्या k बराबर c अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा एंड सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक solve this quadratic actually to be quadratic expression hai aur se hai aur solve kar sakte hain kitna to kar sakte ho bhai ye mera tarika hai kahi book mein kahi tum ko denge na one by five cos seven one by bata yahan tak agar question chat se banta hai jise question de raha hu aapko सपोज करो एच प्लस यहाँ मामला क्या होता है सी अल्फा अल्फा यहाँ से कैलकुलेट करो एच प्लस यहाँ पुट करो आंसर आ जाएगा ठीक है क्वेश्चन है जैसे सपोज करो पी कैसे का सी एस थ्री सी डबल एच जैसे के का वैल्यू दिया हुआ 10 एस टू माइनस 5 का सॉरी के का वैल्यू इतना है क्वेश्चन क्या बोल रहा है कैलकुलेट ध्यान से देखना एच प्लस ओ एच माइनस अल्फा एंड pH for पहला 0.1 मोलर सेकंड है 0.01 मोलर एक आपको निकालना है कंसंट्रेशन एसिड है k दिया हुआ पहला केस से कंसंट्रेशन अगर इतना लेंगे तो h+ OH OH का सब और pH कितना होगा दूसरा कंसंट्रेशन 0.01 लेंगे तो h+ OH OH का सब टाइम बस समझ में ठीक है अब आगे का क्वेश्चन ये है देखो क्वेश्चन तरीका सॉल्व करने का आपने देखा ये बी कैसे के बी कैसे के साथ कुछ दिया हुआ है क्या क्या बी कैसे के साथ कोई और दिया हुआ है नहीं दिया हुआ है इसका केस नंबर पार्ट 1 का केस नंबर 3 समझ में आया बात मुझे पता सबसे पहले आप क्या करेंगे हम के बाय सी को क्या करेंगे सबसे पहला काम बी कैसे को देखते हैं आपको क्या करना है के बाय सी को डिवाइड करना डायरेक्ट के कितना मेरा 10 एस टू माइनस 5 डिवाइडेड बाय 0.1 बराबर ये कितना आएगा भाई एन एस टू माइनस को एस एस नंबर कितना मेरा बड़ा है छोटा है नंबर से क्या हुआ छोटा हुआ सिंपल एच प्लस क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ के सी
minus 5 into 10 raised to minus 1? 0.1. Kitna ho gaya? Kitna ho gaya? 10 raised to minus 6? Matlab kitna? 10 raised to minus 3. OS minus kitna ho jayega? What is OS minus? 10 raised to minus 11 kar do jayega? Minus 14 by 10 raised to minus 3. बराबर व्हाट इज पीएच पीएच कितना आएगा 5 5 5 7 0.7 पीएच कितना आएगा बताओ
Thank you.
color is orange. My idea is orange. कौन सा केस है ये? विकेश का केस है?
I
j by c kiya kitna tha 1.25 kya hua isko Thank you.
equation तभी अच्छा हो सकता है जब आप practice करो. See, it's just like mathematics, physics. जितना practice करो, उतना सही होगा. चलो ठीक है.